हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बंटी रवानी, बीआर क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर ट्रेन संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर, ट्रेन से संबंधित प्रश्न हमें सिखाइए, हमें बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए ट्रेन को बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान तरीके से ट्रेन को सॉल्व करने के लिए सिखाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आप इसके बाद कभी भी आपको ट्रेन में दिक्कत नहीं होगी ये सवाल को करने में, और बहुत ही कम समय में कर पाऊंगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हर एक चैप्टर्स में जितनी भी मैंने अभी तक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया है, उसमें मेरा बनाने का एक मकसद होता है कि आप उस समय कैसे बचाएंगे। तो वैसा ही आज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। बिल्कुल आप सवाल को हल करेंगे और हल करने के साथ ही आप समय को भी बचाएंगे, ताकि एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चंस में अगर समय आप सेव करते हैं तो अच्छे क्वेश्चंस में समय दे पाएंगे। इसलिए आज का जो वीडियो होगा बहुत ही शानदार होगा, बने रहिएगा लास्ट तक। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि ट्रेन में आज के बाद से जितने भी मैं वीडियो डालूंगा, अगर आप ट्रेन पूरा देख लेते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन ट्रेन का छूटेगा नहीं और बहुत जल्दी बना पाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक टारगेट लेकर के आया हूं। मैं आपसे 200 लाइक चाहता हूं, बस इससे ज़्यादा नहीं। 200 लाइक आप कर दीजिए, इसके बाद मैं आपसे पूरा का पूरा ये चैप्टर आपको मैं कंप्लीट यूट्यूब में पढ़ाने वाला हूँ। चलिए, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। तो ट्रेन के क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ बातों को आपको समझना होगा। चलिए इस बात को हम समझते हैं और उसके बाद मैं आपको तरीका बताऊंगा कि मैं इस सवाल को कैसे जल्दी से जल्दी हल करूंगा। कुछ बातों को जानना जरूरी है, जैसे कि बहुत सारे किताब्स में भी, बुक्स में भी देखे जाते हैं। जैसे कि जो ट्रेन संबंधित प्रश्न है, ये ट्रेन से संबंधित प्रश्न, ट्रेन दो डायरेक्शन में जाती है, एक सेम डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, इसको मैं समझ लेता हूँ। देखिए, मान लेते हैं ये ट्रेन वन है और ये ट्रेन टू है। ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और ये ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, इसको बोलेंगे सेम डायरेक्शन, एक समान दिशा में। जब दो ट्रेन एक समान दिशा में, सेम डायरेक्शन में जाएंगी, यहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज है, क्या आपको याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ट्रेन में स्पीड है, तो स्पीड सेम डायरेक्शन में जाने पे दोनों जो ट्रेन है वो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। मतलब अगर ये पहला ट्रेन है, ये पहला ट्रेन की स्पीड अगर मेरा 20 है, ठीक है, और ये दूसरा ट्रेन है, ये दूसरा इस ट्रेन का स्पीड मेरा 15 है, तो ये ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो अगर हम बोलें कि रियल स्पीड क्या होगा मेरा, तो वो 20-15 मतलब 5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर सेम डायरेक्शन में हम जाते हैं तो ट्रेन का स्पीड क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और सेम टू सेम अगर दोस्तों, अगर ये दो ट्रेन है, ट्रेन वन और ट्रेन टू, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, मतलब ये इधर जा रही है और ये ट्रेन इधर आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड के केस में दोनों स्पीड ऐड हो जाएगी। मतलब अगर इस ट्रेन का स्पीड 20 है, इस ट्रेन का स्पीड अगर 15 है, तो रियल स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा, 20+15 मतलब 35 किलोमीटर पर आवर। ये दो बात आप समझ गए होंगे स्पीड के केस में। तो ऐसे ही और एक पॉइंट में समझता हूँ, लेंथ के केस में। अगर हम लेंथ के केस में बात करें तो अगर ये सेम डायरेक्शन में दो ट्रेन है, ये ट्रेन वन और ये ट्रेन टू, अगर ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, दो ट्रेन है, ट्रेन वन और ट्रेन टू, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में, तो लेंथ के केस में आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेंथ के केस में ट्रेन किसी भी डायरेक्शन में जाएगी, लेंथ ऐड होगा। मतलब अगर हम बोलें कि यहाँ पे एक्चुअल लेंथ क्या होगा, तो T1 प्लस T2। अगर मान लेते हैं इसका लेंथ जो है 100 मीटर है और इसका लेंथ 150 मीटर है, तो यहाँ टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, 100+150 मतलब 250 मीटर। अगर यहाँ पे भी 100 मीटर है और 150 मीटर है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 250 मीटर। तो लेंथ सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, लेंथ हमेशा ऐड होगी। तो यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्पीड में ख्याल रखना है कि अगर स्पीड सेम डायरेक्शन में दो ट्रेन जा रही है, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड प्लस होगा। तो दो केस आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम दोस्तों समझते हैं कि अगर एक ट्रेन है और उस ट्रेन के बारे में लेंथ पूछा जाता है, उस ट्रेन का स्पीड पूछा जाता है, उस केस में हम कैसे पता करते हैं। जैसे कि अगर कोई एक ट्रेन है,
तो ट्रेन का ये लेंथ पूछा जाता है क्वेश्चन में कि ट्रेन का लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो ट्रेन का जो लेंथ होता है, ट्रेन जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पार करेगी तो ऑब्जेक्ट को पार करेगी, तो ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है। जैसे ऑब्जेक्ट में आपका मान लेते हैं कोई आदमी है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई पोल है, मान लेते हैं कि कोई प्लेटफॉर्म है, मान लेते हैं कि कोई टर्नल है, गुफा है, मान लेते हैं कि कोई अदर ट्रेन है। ये सारे चीज़ जो कि ट्रेन के ऑब्जेक्ट में दिखाए जाते हैं क्वेश्चंस में। तो जिन चीज़ों का ऑब्जेक्ट में अगर लेंथ नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट जो है उसको अगर ट्रेन पार करेगी तो ट्रेन केवल अपने डिस्टेंस पार करेगी। कहने का मतलब हुआ, जैसे कोई व्यक्ति है, इसका लेंथ तो नहीं, इसका तो हाइट है, ये पोल, इसका लेंथ नहीं, इसका क्या हाइट है, तो यहाँ पे लेंथ क्या है, जीरो जीरो। इन सभी का लेंथ होता है, कुछ ना कुछ होता है, एक्स वाई जेड मान लेते हैं। तो अगर कहने का मतलब है, अगर ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को पार करता है, उस ऑब्जेक्ट का अगर लेंथ है तो ट्रेन उस लेंथ के साथ ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ व्यक्ति है, कोई पर्सन है या पोल है, इनका चूंकि लेंथ होता नहीं है तो जीरो ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ट्रेन की, जब भी आपको ट्रेन का लेंथ निकालने बोलेगा कि ट्रेन का लेंथ क्या होगा, तो आपको ये देखना है कि अगर ट्रेन किसी पर्सन को पार किया है तो पर्सन को पार करने में ही ट्रेन का लेंथ होगा। किसी पोल को पार किया, किसी खंभे को पार किया है तो खंभे को पार करने में ही ट्रेन अपना लेंथ पार किया होगा। इस दो बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, और कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको हम समझते हैं और आगे फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ और है, जैसे कि आप देखे होंगे कि पूछा जाता है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ये आप जान के रखें, मैं इसको यूज़ तो नहीं करूँगा सवाल में, लेकिन आप इसको जान के रखना ज़रूरी है। जैसे कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना, अब मल्टीप्लाई किया जाता है, एक नंबर है, वो है, एक नंबर है 18/5 और एक है 5/18। तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि किससे हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, कि हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चले जाएं और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चले जाएं। तो एक बात पे ध्यान दीजिए, तो आप बताइए कि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो आप बोलेंगे किलोमीटर बड़ा डेटा देता है, किलोमीटर पर आवर, और मीटर पर सेकंड छोटा होता है। इन दोनों में अगर हम कंपेयर करते, छोटा कौन है, ये है। तो अगर हम बड़ा से छोटा में जाएंगे, बड़ा से छोटा में जाएंगे, तो छोटा रहेगा ऊपर, मतलब 5 ऊपर और 18 नीचे, तो मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 5/18 से। सेकंड, अगर हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे, तो ये क्या है, छोटा, छोटा से जा रहे हैं बड़ा, तो जब छोटा से बड़ा में जाएंगे तो बड़ा में जाना, तो बड़ा रहेगा ऊपर और छोटा हो जाएगा नीचे। ये दो बात याद रखना है कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुना करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से गुना करना है। इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बोल देगा कि 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलें। तो देखिए किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, बड़ा से छोटा की तरफ जा रहे हैं, तो छोटा ऊपर रहेगा, मतलब 5/18 से गुना करेंगे, 72 को 5/18 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 टेबल में 4 बार में, मतलब 20 मीटर पर सेकंड। तो सेम टू सेम दोस्तों, अगर हम बोल दें कि 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलें, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, छोटा से बड़ा की तरफ जा रहे हैं तो बड़ा ऊपर रहेगा, मतलब 18/5 से गुना करना है। किसे गुना करना है, इसको, तो क्या आ जाएगा, 4 बार में 18 × 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये दो प्रॉपर्टी को और हमने समझा, इसको आप नोट कर लीजिए और फिर हम एक प्रॉपर्टी और समझते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपने सवालों पर। नोट कर लीजिए आप लोग, जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा कि मैं 5/18, 18/5 को इन चीज़ों को मैं सवालों में यूज नहीं करूँगा, तो कैसे मैं सवाल को सॉल्व करूँगा, चलिए एक मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी समझाता हूँ। देखिए
अगर आपको कभी भी ट्रिक क्वेश्चंस में बोला जाए कि ट्रेन की स्पीड पता करो, ट्रेन की स्पीड क्या होगी, बोलेगा कि ट्रेन का लंबाई पता करो, ट्रेन का लंबाई क्या होगा, तो मैं एक बात समझाता हूँ आपको। अगर क्वेश्चन में स्पीड दिया होगा किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड दिया होगा, तो स्पीड से मीटर में जाना हो आपको, तो आप क्या करेंगे, स्पीड को 10 से गुना कर देना है। क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को किससे गुना करना है, 10 से। अगर हम 10 से गुना करेंगे, ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। इसको मैं सवाल अभी करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको लेंथ पता है, स्पीड चाहिए, तो स्पीड चाहिए तो क्या करेंगे, मीटर से हमको किलोमीटर में जाना है, किलोमीटर स्पीड निकालना है किलोमीटर पर आवर, तब क्या करेंगे, मीटर को 10 से यहाँ गुना किए थे, यहाँ 10 से भाग कर देंगे, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा, किलोमीटर पर आवर स्पीड मिल जाएगा। ये दो बात आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि स्पीड जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर है, ये किसी ट्रेन की स्पीड है, 54 किलोमीटर पर आवर किसी ट्रेन की स्पीड है। मैंने आपको क्या बोला कि अगर क्वेश्चन में अगर किलोमीटर दिया हुआ है, तो आप मीटर में चेंज करेंगे इसको, मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 54 को अगर हम 10 से गुना करते हैं, इसको हम मीटर में लिखेंगे, अब मीटर में क्या हो जाएगा, 540 मीटर। ये बात समझ में आया, इस 540 मीटर को आपको रखना है 36 सेकंड के इक्वल, मतलब 540 मीटर बराबर 36 सेकंड। ये प्रॉपर्टी से सारा सवाल आप हल कर लेंगे। अब आगे हम देखते हैं, अगर मेरे पास मीटर दिया हुआ है, मान लेते हैं कि मेरे पास 500 मीटर है, यहाँ समझते हैं, मान लेते हैं मेरे पास 500 मीटर है, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 50, ये 50 को हम क्या लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर लिखेंगे। ये सारे चीज़ों को भी हम सवाल में करेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। चलिए अब हम डायरेक्ट सवाल पे चलते, तब आपका ये क्लियर जो है कंसेप्ट जो क्लियर होगा। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, आप इसे नोट कर लिए होंगे। देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला, पहला क्वेश्चन कि 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। यहाँ टाइम पूछा है दोस्तों, टाइम पूछा है। मैंने आपको क्या बोला कि कभी भी अगर किलोमीटर पर आवर दिया हो, तो देखिए यहाँ किलोमीटर पर आवर स्पीड दे दिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यह ट्रेन की लेंथ दिया हुआ है। अब टाइम पूछा हुआ है कि कितना समय लेगी और किसको पार करने में, एक खंभे को पार करने में। अभी मैंने समझाया, जब भी ट्रेन किसी खंभे को या किसी व्यक्ति को पार करेगी जिसका कोई लेंथ नहीं होता है, तो ट्रेन केवल केवल अपनी दूरी तय करेगी। इसका मतलब आपको ये बताना है कि ट्रेन अपनी दूरी को पार करने में कितना समय लेने वाली है, किसी खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। इसका मीनिंग हुआ कि ट्रेन अपना खुद का जो लेंथ है उसको पार करने में कितनी समय लेने वाली है। तो इसको बनाने के लिए मैं आपको अभी एक नया एक कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही आसान होगा आपके सवाल को हल करने में। करना क्या है, अच्छे से समझिएगा। जब भी क्वेश्चंस में स्पीड दिया हो, तो मैंने आपको समझाया कि 60 किलोमीटर पर आवर, इसको आप 10 से गुना करें और इसको मीटर में लिखिए, इसको 10 से गुना करें और मीटर में लिखिए, तो कितना मीटर हो गया, 600 मीटर। अब बोले इसको किसके बराबर रखना है, 36 सेकेंड। पहला काम, अगर क्वेश्चंस में दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, उसको 10 से गुना करके मीटर बना देना है और इसको लिखना है 36 सेकंड के बराबर, समझ गए। अब क्वेश्चंस में देखिए, आप क्वेश्चंस में बोला है कि ट्रेन की लंबाई कितना है, 150 मीटर, तो कितना टाइम लगेगा एक खंभे को पार करने में, तो ट्रेन का टाइम कितना लगेगा, तो ट्रेन को टाइम कब लगने वाला है, केवल अपनी दूरी को पार करने में। इसका मतलब हमको ये बताना है कि 150 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो आप देखिए गाइज, आप ये से इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि 600 मीटर बराबर 36 सेकंड है, तो 150 मीटर बराबर कितना सेकंड होगा। आप ध्यान से देखेंगे तो इसको अगर हम मीटर मीटर को अगर हम कैंसिल करें, तो मीटर 150 का टेबल में एक बार में, 150 का टेबल में चार बार में, चार से चार, ये 36 कितना मल्टीपल है, 9 गुना है, इसको हम 9 से गुना कर देंगे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 9 सेकेंड। तो
तो हम ये बोल सकते हैं ट्रेन अपनी दूरी को 9 सेकेंड में पार करेगी। चलिए मैं इसको एक बार और समझाता हूँ, तब मैं दूसरे क्वेश्चन में चलूँगा। जैसे क्वेश्चन बोला कि 60 किलोमीटर पर आवर की गति से 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, आपको करना क्या है कि स्पीड को मीटर में चेंज करना फर्स्ट। तो 60 को 10 से गुना किए 600 मीटर बराबर लिखना 36 सेकंड। क्वेश्चन में क्या दिया है कि ट्रेन की लंबाई क्या 150 मीटर, तो 150 मीटर बराबर कितना सेकंड, बस इतना ही करना है। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये था पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रेन की लंबाई 170 मीटर और 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से, देखिए स्पीड मिल गया, 36 किलोमीटर की चाल से प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को पार कर रहा था, क्या व्यक्ति का लेंथ होता है, नहीं होता है। इसका मतलब कि ट्रेन अपनी लंबाई पार करने में कितना समय लेने वाली है। तो देखिए हम बोलते हैं 36 किलोमीटर है, इसको आप मीटर में चेंज किए, 36 किलोमीटर स्पीड है इसका, 36 किलोमीटर पर आवर, इसको हम क्या बोले 10 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 360 मीटर और बराबर लिखेंगे 36 सेकेंड। अब आपको करना क्या, ट्रेन की देखिए लंबाई दिया हुआ, कितना ट्रेन की लंबाई है 170 मीटर, मतलब 170 मीटर चलने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। अब ध्यान से देखेंगे, अगर मीटर मीटर को रेशियो में रखते हैं, 1 0 1 0 कट गया, तो बोलेंगे 36 बराबर 36 सेकंड, तो 17 बराबर 17 सेकंड, बस इतना ही करना और इतना जल्दी से आप आंसर को अपने पास ले आ पाएंगे और समय बचा लेंगे। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला कि एक रेलगाड़ी की चाल कितना दिया हुआ है, 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई 9 सेकंड में, देखिए 9 सेकंड इस बार समय दिया हुआ है, 9 सेकंड में टेलीग्राफ के एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई, इस बार ट्रेन की लंबाई बोला निकाल लें। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम ऐसा ही बनाना है आपको। हम बोले स्पीड क्या है मेरा 54 किलोमीटर पर आवर। करना क्या है, आप सीख गए होंगे आप लोग कि 10 से गुना करना है, 540 मीटर लिखना है, बराबर 36 सेकंड लिखना है। तो देखिए दोस्तों, जब मेरे पास मीटर था तो मीटर के साइड में लिख रहे थे, अब मेरे पास सेकंड है, देखिए मेरे पास क्वेश्चन में क्या सेकंड, अब सेकंड के साइड में लिखिए, बस 36 सेकंड का मान ये है, तो 9 सेकंड का मान क्या होगा, बस यही करना है। तो आप देखेंगे अच्छे से कि हम कंपेयर जब करते थे मीटर को मीटर तरफ में, तो मीटर को रेशियो में चेंज करते थे, अब हम मेरे पास दोनों साइड क्या है सेकंड, तो हम सेकंड को रेशियो में चेंज करते हैं, 9 का टेबल में एक बार में, 9 का टेबल में चार बार में, तो 4 का मान ये है, तो 1 का मान क्या होगा, 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आधा करेंगे कितना होगा 270, और फिर 270 का आधा करेंगे कितना होगा 135, मतलब कितना लेंथ था क्या 135, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा 135। तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप पहले नोट कर लीजिए और बाकी के जो तीन क्वेश्चंस हैं इसको मैं सॉल्व करता हूँ। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और बाकी के तीन क्वेश्चंस और देखता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कोई ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से, स्पीड क्या दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर 5 सेकंड में एक खंभे को पार करता है, देखिए खंभा को पार कर रहा है, ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई क्या, फिर से हमको क्या बताना है लेंथ ऑफ ट्रेन। तो आपको क्या बोले कि जब भी स्पीड दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया हुआ है 90, तो 90 किलोमीटर पर आवर, इसको हम 10 से अगर गुना कर देते हैं तो ये बन जाएगा 900 मीटर बराबर 36 सेकंड। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, मीटर दिया है कि सेकंड दिया है, आप बोलेंगे सर सेकंड दिया है, कितना सेकंड दिया 5 सेकंड, तो सेकंड की तरफ लिख देते हैं 5 सेकंड बराबर कितना मीटर, बस यही पता करना है। तो देखेंगे 36 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 900 आ जाए, तो आप ध्यान से देखेंगे 36 दूनी 72 और उसका आधा मतलब 25 से इंटू हुआ है, तो इसको भी हम 25 से गुना कर देते हैं, तो 25 गुना 5 कितना हो गया 125 मीटर, तो इसका मतलब ट्रेन की लंबाई क्या हो गया 125 मीटर। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, बोला है 100 मीटर लंबी एक ट्रेन, देखिए इस बार ट्रेन की लेंथ दिया हुआ है 100 मीटर, ठीक है, 4 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करता, मतलब एक पर्सन को पार कर रहा, मतलब अपना दूरी पार कर रहा, तो इस बार क्या पूछा ट्रेन की चाल, इस बार अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इस बार स्पीड ऑफ ट्रेन ऑफ स्पीड पूछ लिया कि ट्रेन की चाल क्या होगी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे आगे, ट्रेन की लंबाई कितना है 100 मीटर, बहुत सही। तो एक बात बताइए, ये जो 100 मीटर है ट्रेन जो है किसको पार की है, ट्रेन किसको पार किया है एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति को पार करना मतलब खुद की लंबाई को पार करना, मतलब खुद का लंबाई कितना है 100 मीटर, 100 मीटर पार करने में कितना समय लगा, तो बोलेंगे 4 सेकंड, तो हम बोल सकते हैं 4 सेकंड बराबर
4 सेकंड बराबर 100 मीटर। तो जब भी आपको स्पीड निकालने बोलेगा, क्वेश्चंस का डिमांड होगा कि ट्रेन की स्पीड बताइए, तो ट्रेन का स्पीड आपको निकालना है तो 36 सेकंड तक जाना है। समझ में आया बात? अब आप सोचिए, 4 सेकंड मेरे पास है, हम 36 सेकंड निकाल सकते हैं? तो आप बोलेगा हाँ सर निकाल सकते हैं। तो आप देखिए सेकंड सेकंड में रेशियो में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए 4 का टेबल में 9 बार में एक है 100 के बराबर, तो 9 कितना के बराबर होगा? तो आप बोलेंगे 900 मीटर के बराबर होगा। और आपको समझाएं हम कि मीटर से किलो स्पीड में जाना है तो 10 से भाग देंगे, तो क्या करना है, इसको 10 से डिवाइड करना है, तो कितना जगह 90 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड भी हम निकाल लिए ट्रेन का। तो चलिए एक और क्वेश्चन मेरे बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि एक 110 मीटर लंबी ट्रेन, फिर ट्रेन की लंबाई कितना है 110, एक खड़े व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करता था। आप समझ गए होंगे कि ट्रेन एक व्यक्ति को पार किया है, इसका मतलब अपनी लंबाई को पार किया है, समझ गए? तो हम बोल सकते हैं ट्रेन की लंबाई कितना हो गया 110 मीटर, तो बराबर 6 सेकंड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे सर? क्योंकि ट्रेन खुद की लंबाई को पार किया है 6 सेकंड में। अब आपको पता है कि हमको पता क्या करना है, ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल क्या होगी। तो ट्रेन की चाल कैसे निकालेंगे, 36 सेकंड बराबर ट्रेन की चाल। अब आप बताइए इसको हम अगर कंपेयर करते हैं तो क्या पता चला, एक बार में 6 बार में, एक का मान 110 तो 6 का मान 660, ये क्या निकला मीटर। लेकिन हमको तो मीटर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए स्पीड। स्पीड कैसे निकलेगा, मीटर से स्पीड जाने के लिए 10 से भाग, तो कितना आ जाएगा 66 किलोमीटर पर आवर। तो आप समझ गए होंगे कि इतना आसानी से हम बाकी सारे क्वेश्चंस को, जो आज 6 क्वेश्चन सीखे हैं, इन सभी में एक में स्पीड निकालने को कहा गया, एक में समय निकालने को कहा गया। अब आगे और भी टाइप हैं ट्रेन के जो हम धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन कंप्लीट सीखेंगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो, क्या समझ पाए आप? अगर समझ पाए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लगा हुआ है, लगा है। और अपने रिलेटिव जितने भी जो आपके पढ़ते होंगे, कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं या कंपटीशन का तैयारी करने वाले हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा, उनका बहुत हेल्प होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे के इसके सेकेंड पार्ट फिर से हम आप लोगों के पास लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।